तो क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हालात कुछ वैसा ही बयां कर रहा है। यूके ने कह दिया है अपनी सेना को तैयार रहने के लिए तीसरे विश्व युद्ध के लिए, तो वहीं अमेरिका के ठीक नाक के नीचे पहुंच चुकी है रूसी सेना। बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका के नाक के नीचे एक बार फिर से क्यूबा जैसी संकट शुरू हो चुकी है। क्यूबा तो फिर भी थोड़ा दूर था, लेकिन इस बार रूसी सेना पहुंच चुकी है और अमेरिका पर भी निशाना लगा सकती है। जहां एक तरफ ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एलन मस्क को सीधे जमीन पर ला दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध चलने लगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तब एक मौका आया था और ऐसा जबरदस्त मौका आया था कि उस वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो जाता अमेरिका में और रूस में। अमेरिका ने तुर्की में जहां मिसाइलों की तैनाती कर दी और तुर्की के जरिए रूस को निशाने पर लेने लगा, तो अमेरिका यहां सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। अमेरिका को ये लग रहा था कि अमेरिका वही सिर्फ रणनीति बना सकता है, वही रूस को समेट सकता है, पर इसके उलट चुपके चुपके कब क्यूबा पहुंच गई रूसी मिसाइलें, वो भी परमाणु मिसाइलें। एक तरफ क्यूबा की जमीन पर मिलिट्री बेस बन गया, जिन मिसाइलों ने सीधे तान दिया यूनाइटेड स्टेट। आप देख सकते हैं क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट की दूरी है बहुत कम, यहाँ से अमेरिका को निशाना बनाना बहुत आसान था। इतनी मिसाइलों की तैनाती कथित तौर पर रूस ने की थी कि अमेरिका पर अगर ये मिसाइलें छूट जाती तो बहुत भयानक नुकसान होता अमेरिका को। आज की डेट में जो अमेरिका दिख रहा है वो अमेरिका समाप्त हो चुका होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस अगर मिसाइलें छोड़ता तो अमेरिका चुपचाप बैठा रहता, अमेरिका में भी तुर्की में जो मिसाइलें तैनात थी उसको छोड़ने का आदेश दे देता, यानी तीसरा विश्व युद्ध उसी समय शुरू हो जाता। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि जहां क्यूबा में ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ठीक समंदर के नीचे रूसी मरीन्स, वो भी परमाणु वारहेड से युक्त तैर रही थी, यानी अमेरिका को चारों तरफ से घेर रखा था। और एक मोमेंट भी आया जिस मोमेंट पर ऊपर से पास कर रहे थे अमेरिकी जहाज और नीचे थे रशियन सबमरीन्स, जो आपस में टकरा गए थे। तब ये लगा था कि शायद अमेरिकी जहाजों ने रूसी सबमरीन को निशाना बनाने की कोशिश, पर हालात जैसे बिगड़ने लगे अमेरिका ने गुपचुप बात करना शुरू कर दिया रूस से और हालात को संभालते हुए इस युद्ध को टाल दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी मिसाइलों को वापस ले लिया। यहाँ तो तीसरा विश्व युद्ध होने से रुक गया, लेकिन अभी जो शुरू हो चुका है, जो हो रहा है, वो तीसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने का संकेत है। यूके ने अपनी सेना को कह दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहो, मतलब हालात बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई थमने के बजाय अब दूसरी तरफ जा रही है और वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा बाइडेन ने अचानक लैटिन अमेरिकी देशों को याद करना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी बाइडेन की रणनीति फेल हो गई। बाइडेन की रणनीति ऐसे फेल हुई कि क्यूबा को, वेनेजुएला को और भी इनको वो तानाशाह मानता है, उसको उन्होंने नहीं बुलाया, जिसकी वजह से बाकी के भी खास खास देशों ने मना कर दिया और बाइडेन की समिट में शामिल नहीं हुए। इनमें से ही एक देश था निकारगुआ, और निकारगुआ ने अब जो खुलासा किया है उस खुलासे से अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। आप सोलोमन द्वीप को भूल जाइए, सोलोमन द्वीप में तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को घेरने का प्लान बनाया और गुआम एयरबेस पर निशाना साधने का प्लान बनाया, लेकिन निकारगुआ में तो रूसी सेना पहुंच चुकी है। और न सिर्फ रूसी सेना, बहुत जल्द यहां चीनी सेना भी पहुंचेगी। अब अमेरिका से निकारगुआ का डिस्टेंस आप देख लीजिए, यानी क्यूबा वाले हालात यहाँ पर पैदा कर दिए हैं रूस और चीन ने। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे, और अमेरिका ने इस छोटे से देश को ऐसी अनुमति दे कैसे दी, और ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक से। हालांकि ये सब अमेरिका के नाक के नीचे हुआ, लेकिन अमेरिका को अब जाके पता चला है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई कर रहे अमेरिका को अब अपने ही घर में पुतिन की सेना की चुनौती मिलने वाली है। लैटिन अमेरिकी देश निकारगुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने रूस समेत विदेशी सेनाओं की तैनाती को मंजूरी देने का आदेश दे दिया है। निकार
निकारगुआ और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा है और राष्ट्रपति ओर्टेगा के इस कदम से आप समझ लीजिए कि उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका से दुश्मनी ले ली है। लेकिन निकारगुआ न सिर्फ रूस के साथ बल्कि चीन के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। निकारगुआ की सरकार ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि रूस के अलावा वो वेनेजुएला, होंडुरास, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, मेक्सिको, अमेरिका को, अल सल्वाडोर, सैनिक, नौसैनिक, फाइटर जेट सबको यहाँ उपस्थित करने की मंजूरी दे रहा है। अब मंजूरी के बहाने यहाँ पर पहुँचने वाली है रूसी और चीनी सेनाएं। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति हुई तो फिर अमेरिका पे परमाणु मिसाइलें बरसाने के लिए तैनात रहेगा रूस। खैर, जहाँ एक तरफ सब कुछ हो रहा है तो आपको बता दे, अमेरिका के नाक के नीचे चीन को एक बड़ी सफलता तभी मिल गई थी जब निकारगुआ ने ताइवान की मान्यता खत्म कर दी थी। शायद अमेरिका तब तक नहीं समझा था, लेकिन अमेरिका को समझने में काफी वक्त लग गया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपने दुश्मनों को पटकनी पे पटकनी देता जा रहा है। ऐसे हालात बना रहा है जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वो सारी चीजें यहां देखने को मिल रही हैं। एलन मस्क, जो दुनिया के बेसुमार दौलत रखने वालों में से एक है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि धरती पर उसे कोई झुकाने वाला है ही नहीं और उसकी बात को आंख मूंद के यकीन कर लिया जाए, वो जैसा चाहता है वैसा ही हो। उनकी भाषा, उनके बोलने में और उनके करनी में, तीनों चीजों में दिखता है उनका अहंकार, और यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। भारत में जब इलेक्ट्रिक कार बेचने की बात आई तो एलन मस्क के अपने नियम थे, अपने रूल थे। भारत से कहा कि आप टैक्स घटाओ, भारत ने कहा आप यहाँ प्लांट लगाओ, आप प्लांट लगाओगे हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, आपको टैक्स की छूट खुद बखुद मिल जाएगी। लेकिन एलन मस्क को शायद समझ में नहीं आया, उल्टा एलन मस्क ने कुटिलता पूर्वक ये जवाब दे दिया कि हमें अगर कार बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम वहाँ प्लांट भी नहीं लगाएंगे। पर अब भारत ने एक तगड़ा वाला झटका दिया है और भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस चीज का ऐलान किया है, जिसके बाद और भी ज्यादा एलन मस्क के लिए झटके की बात है। दरअसल नितिन गडकरी ने ये कहा है कि आने वाले 2 साल में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की भरमार होगी और इलेक्ट्रिक कार उसी रेट पर मिलेंगे जिस रेट पर आज की डेट में पेट्रोल और डीजल की कारें मिलती हैं, जिसका मतलब बहुत बड़ा है। भारत जैसे बड़े बाजार एलन मस्क के हाथ से तो निकल ही गया, ऊपर से अब भारत दुनिया के किस किस बाजार से एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कारों को उखाड़ फेंकेगा, वो भी समय आने लगा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।